पिता को दफ्तर जाने में होती थी दिक्कत, बेटे ने बनाकर तैयार कर दी ऐसी कार जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स का चकरा गया माथा। न इस कार में डाली जाती है पेट्रोल और न डाला जाता है डीजल। आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी से चलती होगी तो उसका भी इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी कार सड़कों पर भरती है फर्राटा। बाइक से बुजुर्ग पिता जाते थे ड्यूटी, कई बार हादसे का हो चुके थे शिकार। ऐसे में पिता की सुरक्षा के लिए बेटे ने इस आविष्कार को दिया अंजाम। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर मांग रहे इस तकनीकी का फॉर्मूला, महज 1 लाख में कर दिया ऐसा कमाल। बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट की लागत देखकर रह गई हैरान। इंटरनेट पर अपने पिता के लिए बेटे का एक खास आविष्कार सुर्खियां बटोर रहा है, और आविष्कार भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कमाल किया गया है कि बड़े बड़े इंजीनियर इस तकनीकी का फॉर्मूला अब मांगते दिखाई दे रहे हैं। लंबे अरसे से तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां इस तरह की कार बनाने के लिए माथा खपा रही हैं, लेकिन उसकी लागत को कम नहीं कर पा रही थी। अब इस लड़के ने ऐसा कमाल किया है कि लागत भी कम हो गई और शानदार प्रोडक्ट भी बनकर तैयार हुआ है। पिता की सेहत और आराम को ध्यान में रखते हुए बेटे ने एक अनोखी कार बनाकर तैयार की है, और कार भी ऐसी जिसमें ना पेट्रोल का खर्चा और ना डीजल का, यहाँ तक कि सीएनजी का भी कोई खर्चा नहीं है। लेकिन ये कार सड़क पर फर्राटा भरती है और शानदार सफर का अनुभव करवाती है। पिता को काम पर जाने के लिए हर दिन घर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, बाइक से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी। 70 साल के पिता की सलामती के बारे में सोचकर बेटे ने एक असंभव काम कर दिखाया। उन्होंने एक टोटो यानी बैटरी रिक्शा की कीमत पर एक इलेक्ट्रिक जीप बना दी और अपने पिता को उपहार के रूप में भेंट की। बैटरी से चलने वाले इस 4 पहिया वाहन को मंजूर मौला ने बनाया है। मंजूर सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करते हैं। बैटरी से चलने वाली इस 4 पहिया गाड़ी को महज 1,30,000 रुपए में बनाकर तैयार किया गया है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह गाड़ी करीब 70 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। मौजूदा समय में एक टोटो की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। मंजूर ने इतने पैसे में ही 4 पहियों वाली गाड़ी बना ली। मंजूर के बेटे का निकनेम किंग है, इसीलिए गाड़ी का नाम भी किंग रखा गया है। लेकिन इस गाड़ी को बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। मंजूर ने बताया कि उनके पिता करीब 72 साल के हैं। पिता को काम के सिलसिले में राजोया से कटवा जाना पड़ता है। बाइक से कटवा जाना बहुत मुश्किल था, उनके साथ कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हुई। ऐसे में अपने पिता की मेहनत को देखते हुए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंजूर ने ये गाड़ी बनाकर उन्हें गिफ्ट में दी। मंजूर ने कहा कि जाजीग्राम के संजय नाम के एक शख्स ने बहुत पहले ऐसी गाड़ी बनाई थी। उस कार को देखने के बाद उनके मन में भी कार बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अलग अलग जगहों से कार के छोटे छोटे पार्ट्स इकट्ठे किए। उन्होंने कार को पूरी तरह से एक स्थानीय खराद से अपना डिजाइन करवाया। भले ही मंजूर नौकरी करते थे, लेकिन अपना खाली समय गाड़ी बनाने में बिताते थे। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद उनकी पुरानी विंटेज बिली जीप बनकर तैयार हो गई। मंजूर मौला के पिता अशरफ मौला इस कार को बड़े आराम से चला सकते हैं। बेटे से तोहफे में ये कार पाकर वो काफी खुश हैं। इस बारे में अशरफ बाबू ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए बाइक से कटवा जाना वाकई बहुत मुश्किल था, गाड़ी से मुझे फायदा होगा। इस गाड़ी की अधिकतम स्पीड 30 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये गाड़ी टोटो की बैटरी से बनी है। आज के दौर में अगर आप 4 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रजवा गांव के मंजूर मौला ने कम पैसे में ये गाड़ी बनाकर तैयार कर दी और अनोखी मिसाल कायम कर दी, और लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं। तमाम लोग तो ऑन डिमांड गाड़ी को बनवाने के लिए लगातार मंजूर से मुलाकात कर रहे हैं, और मंजूर का मानना है कि वो जल्द ही लोगों की डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।